हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो जिन सड़कों का निर्माण सरकार कराती है ताकि लोगों को उससे फायदा मिल सके, सुविधा हो सके, वही सड़कें लोगों के लिए असुविधा की वजह बन गई है, वही सड़कें हादसों की वजह बन गई है। ऐसे में हम हरियाणा की आवाज में सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर इन सड़कों पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, बार बार आए दिन हादसे होते रहते हैं, तो इस तरफ प्रशासन कोई ध्यान क्यों नहीं देता। उकलाना के हम हाईवे की बात कर रहे हैं जहां 20 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन हाईवे बनवाया गया, लेकिन तस्वीर जो सामने आई वो ये कि प्रदेश में यही हाईवे एक्सीडेंट्स की वजह है, दुर्घटनाओं की वजह है, लोगों के लिए असुविधा की वजह है। सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि इन सड़कों की तरफ, ऐसी स्थिति की तरफ, ऐसी तस्वीर की तरफ प्रशासन कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, सरकार तक अपनी परेशानी, अपनी राय पहुंचा सकते हैं। आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है, कैसी तस्वीर है, क्योंकि बीते दिनों भी हमने सड़कें दिखाई थी जहां हर रोज कोई ना कोई हादसा होता है, सड़कों पर पानी भरा हुआ था, लेकिन आज ये उकलाना की तस्वीर दिखा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का निर्माण करवाया गया था, लेकिन जिस सड़क में इतना पैसा लगा हो, क्या उस सड़क की हालत ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर इस तरफ कोई ध्यान दिया जाता, संजीदगी से, गंभीरता के साथ काम किया जाता, तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि प्रदेश में जगह जगह पर सड़कों की स्थिति खराब है, ऐसे में कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसके जवाबदेही है कि आखिर सड़कों का निर्माण जब करवाया जाता है तो अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्यों नहीं सही हाथ में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्यों नहीं इस तरफ पूरी तरीके से गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ काम करवाया जाता है। बड़ा सवाल है ये, और आप भी अपनी राय रख सकते हैं और हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है, आपके क्षेत्र में प्रशासन सड़क की तरफ कितना ध्यान देता है। जो राशि खर्च की जाती है सड़क निर्माण में, उन राशि को खर्च करने से पहले सोचा क्यों नहीं जाता है कि आखिर वो क्या रोड मैप है, वो कौन सा मटेरियल है जो इस्तेमाल किया जाएगा, किस रोड मैप के तहत पूरा काम करवाया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आप दे देते हैं लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कराया जाता है, अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है, इसके चलते सड़कें बनते ही टूट जाती हैं, सड़कें पूरी तरीके से ठीक तरीके से बन नहीं पाती, क्योंकि तस्वीर आप देखिए सरिया निकला हुआ है जो लोगों के लिए असुविधा का कारण बन गया है, कई हादसे यहां पर हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन बेसुध है, प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा, उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा जिनकी जिम्मेदारी थी इन सड़कों को ठीक तरीके से इनका निर्माण कराना। हरियाणा की आवाज में आज आवाज हम यही उठा रहे हैं कि प्रदेश की खराब होती सड़कें, सड़कों पर गड्ढे, सड़कों पर भरा पानी और दुर्घटनाओं को न्योता देती है तस्वीरें, कब तक हम देखेंगे? आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है ये आप हमें बता सकते हैं, अपनी परेशानी आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति क्या है, क्या वहां भी सड़कों पर गड्ढे हैं, क्या वहां भी सड़क का निर्माण ठीक तरीके से नहीं कराया गया है, और क्या वहां पर भी सड़कें जो हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। उकलाना की तस्वीर जहां 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया था और वही 4 लेन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, वही 4 लेन जिसमें 20 करोड़ की लागत लगी थी वो अब लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं और असुविधा का कारण बन चुका है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार जो खर्च करती है सड़कों के निर्माण पर, उस तरफ क्यों नहीं संजीदगी से काम कराया जाता है? 4 लेन में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं, 4 लेन पर आए दिन लगातार कई हादसे होते हैं, लेकिन कोई ध्यान प्रशासन नहीं दे रहा है, कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ऐसी ढिलाई बरतेगा तो कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे? 20 करोड़ की लागत से बने 4 लेन में गड्ढे क्यों हैं? क्यों अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या 4 लेन निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि तस्वीर तो यही बयां कर रही है, शिकायत के बावजूद भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। नवीन कुमार कॉलर जुड़े हमारे साथ, नवीन जी अपनी राय रखे। सर मेरा नाम नवीन है, सोनीपत से रहने वाला हूँ। मैम यहाँ पर मैं भैया खुरद का रहने वाला हूँ। जी सर। तो मैम हमारी गली इतने दिनों से नहीं बन पा रही, हमने पिछली बार जब हमारे यहाँ सोनीपत से कविता जैन विधायक थी, हम उनके पास भी गए थे, हमने उनको ये बोला गया कि मैम हमारी गली नहीं बनी हुई है। मैम उन्होंने
जो वहां गए हुए थे हमारी गली के आदमी सब इकट्ठे करके लेके गए थे हम। मैम आज तक नहीं तो हमारी गली बन ली नहीं मैम ये। हेलो जी जी सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए आप। हेलो जी नवीन जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप बताइए अपनी परेशानी। तो मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम, ये जब वोट मांगने आते हैं जब, तो मैम ये सब कुछ करते रहते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। मैम जब बन जाते हैं, जब अपने घर पे जाके बैठ जाते, कोई काम नहीं करवाता मैम। इसका कारण मैम क्या है? ये राजनीति के चक्कर में है या किस चीज के चक्कर में है? लोगों की कोई सुनवाई सुनी नहीं रही है मैम। रोड देख लो, हमारे भैयापुर खुरद का राड दाने वाला रोड है गाँव का मैम, उसको देख ले। इतने दिनों से मैम ये बंद पड़ा, काम ही नहीं चल रहा। बिल्कुल, और यही शिकायत देखिए दर्शक भी कर रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया है ये सड़क। नवीन बहुत शुक्रिया, आपने अपनी परेशानी साझा की, हमारी पूरी कोशिश होगी आपके परेशानी का समाधान हम निकलवा पाए। और ये देखिए किस तरीके से कहा है दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं कि जब वोट मांगना होता है तब तो आते हैं वादा करते हैं कि सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ही ये तमाम वादे किए जाते हैं? क्योंकि अब जब परेशानी हो रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर भी इसी बात की तस्दीक करती है कि जब सड़क का निर्माण हो चुका है तो आखिर ये जगह जगह पर गड्ढे क्यों दिख रहे हैं? फोर लेन में जगह जगह गड्ढों से लोग परेशान हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है। 20 करोड़ रुपए की लागत से उकलाना में ये फोर लेन सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये तस्वीर बयां कर रही है कि प्रदेश में कितनी भी बेहतरी से काम कराया जाए लेकिन उसमें भ्रष्टाचार दिख ही जाता है, और यही वजह है कि ये काम सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि 20 करोड़ की लागत से बने फोर लेन में जगह जगह गड्ढे, निकले हुए सरिये हादसों को दावत दे रहे हैं, और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसका साफ सीधा अर्थ यही है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ही ये तस्वीर हमें देखने को मिलती है। कृष्ण कुमार कॉलर जुड़े हमारे साथ, कृष्ण जी अपनी राय रखें। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी हाँ जी जी सर, अपनी राय रखें। मैं ये कह दूं हमारा सिस्टम में है ना बहुत ज्यादा खामी है। कोई सा भी देख लो, अपने ये दिल्ली जयपुर हाईवे देख लो या अपने मुबारक का पानीपत वाला देख लो, इनमें अपने दिल्ली जयपुर हाईवे की मैं बता रहा हूँ 2009 में काम शुरू हुआ था, उसी टाइम टोल टैक्स लगाकर अपना उगाई का काम कंपनी ने, और जो आज तक भी पूरा ना हुआ, रोड आज तक पूरा ना हुआ, कंपनी अपने लूट खसूट शुरू कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि उसमें भारत जो ऊपर का जो अधिकारी हुए भी मिला हुआ है, नहीं तो पहले कोई भी चीज टेंडर हो तो पहले उसका ये होना चाहिए ना, और कम से कम भी अब काम पूरा करे जब जाके टोल वसूलू करे, लेकिन भारत तो यह सबसे पहले टोल लगा हुए अपने दिल्ली से, ये जो मुबारक जा रहा था मुबारक से हुए ये पानीपत वाला, इसको देख लो आप, कल में देख रहा था अखबार में ना, वो ठेकेदार है वो रिजेक्ट कर दे दूसरी कंपनी आएगी। ठीक है जी, नंबर एक चीज मैं और बताऊं, जो अपना ये केएमसी का जो केएमसी पिछले साल जो हमारे प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन करा था, इस रोड को बनाने वाली कंपनी का नाम एक्सएल को था, ये के नाम से था, जो जी न्यूज वाले ने दी था 15 साल की है, उस पर कम से कम ठेकेदार है जिस पर मैंने भी थोड़ा सा काम किया था छोटा छोटा ना, उस पर 200 करोड़ रुपए ऐसा है उनकी देनदारी छोटे छोटे ठेकेदारों को, किसी के 10 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 2 करोड़, बेचारा धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, ऑफिस में जाए तो बैठने की जगह नहीं है, एसआईडीसी से मिले तो एसआईडीसी वाला कोई बात मानने तैयार नहीं है, कभी सीएम से भी मिलने कोशिश करी, कभी किसी मंत्री से मिले, लेकिन अब तक एक साल के बल्कि 1.25 साल होगी उद्घाटन को, आज तक मतलब उनकी पेमेंट नहीं मिली है। और एसआईडीसी से बात करा तो ये बोलता है कि अगर इसकी जो मेंटेनेंस है ना वो कंपनी ठीक उससे नहीं कर रही, बताओ कहाँ जाए ठेकेदार भी कहाँ जाए, बताओ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी परेशानी है। बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी, आपने अपनी राय अपनी परेशानी रखी। देखिए कई जगह तो सड़क का निर्माण कराया जाता है लेकिन सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो अभी कॉलर जुड़े उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण कई सालों से चल रहा है लेकिन अब तक निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हुआ, लूट खसूट में रह जाते हैं यहां जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, लेकिन सड़क कार्य जो है निर्माण कार्य वो पूरा नहीं कराया जाता। ऐसे में हम सवाल ये पूछते हैं कि आखिर क्यों प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, बार बार शिकायत के बावजूद भी क्यों नहीं कोई कार्यवाही की जाती है? ऐसे
भ्रष्टाचार अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते हैं। सड़क का निर्माण कराया जाता है प्रदेश के विकास के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन जब तस्वीर सामने आती है तो वो ये बयां करती है कि प्रदेश में ना ही तो विकास कार्य में ये अपना योगदान सड़कें दे पाती हैं और ना ही लोगों की सुविधा में, क्योंकि जो सड़कें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हमने दिखाया कि कई जगहों पर गड्ढे हो जाते हैं, सड़कों का निर्माण कार्य तो पूरा करा दिया गया लेकिन उसकी फिनिशिंग नहीं की गई है, सरिया निकला हुआ है और ये हादसों की वजह बन रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जहां पर पैसे दिए जाते हैं, तो क्यों नहीं सोच समझ कर पूरा रोडमैप तैयार कराया जाता है और पूरे काम को ठीक तरीके से करने की गारंटी ली जाती है? नहीं तो तस्वीर कुछ ऐसी ही सामने देखने को मिलेगी। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है वो आप हमें बता सकते हैं। आपकी परेशानी को, आपकी आवाज तक, आवाज को प्रशासन तक, सत्ता तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम के जरिए आप अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते आपके यहाँ भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जिनसे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बिजेंद्र अपनी राय रखे सर। मैडम जी, जो हमारा फोर लेन बना था जी सर, अपनी राय रखें। जींद मरवाना जी, फोर लेन ये पुल बना था जी, गांव पिंडारा के पास रेलवे लाइन और हुआना रोड के ऊपर से जी। मैडम जी, ये गिरने वाला है जी, इसकी पूरी कंप्लेंट भी कर दी, कोई देखने नहीं आ रहा इसको। क्या शिकायत के बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया? बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, आपने परेशानी बताई क्योंकि पुल कभी भी गिर सकता है। देखिए, प्रशासन को शिकायत की गई लेकिन बावजूद इसके कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, और जब ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद प्रशासन वहां पर आकर लोगों को मुआवजे राशि देकर इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पहले ही जब समस्या से अवगत करा दिया जाता है तो आखिर प्रशासन इतना लापरवाह, इतना बेसुध क्यों है? लोगों की समस्याओं को क्यों नहीं सुन पा रहा, उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहा है? और जो तस्वीर हम देख रहे हैं, प्रदेश भर की सड़कों की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। अलग अलग दिन हम आपको खबरें दिखाते हैं, कहीं पर सड़कें टूट जाती हैं, कहीं सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं और कहीं सड़कों पर पानी भर जाता है। ऐसे में बार बार ऐसी तस्वीर आने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं रोड मैप सही तरीके से बनाया जाता है, क्यों नहीं प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान देता है? और अगर प्रशासन भ्रष्टाचार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो ऐसी तस्वीर देखने को ही नहीं मिलेंगे। लेकिन बार बार ऐसी तस्वीर जो हादसों को न्यौता दे रही है, हादसों को दावत दे रही है, वो तस्वीर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। कॉलर प्रवीण जुड़े हमारे साथ, प्रवीण जी अपनी राय रखें सर। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, अपनी बात रखें। मैम, मैं यहाँ सोनीपत से बोल रहा हूँ मैम जी। मैम, जो हमारे वाला रोड है मैम, भैयापुर खुरद से रड़ताना रोड तक मैम, मैम रोड से बहुत दूर उठती है, कम से कम मैम डेढ़ साल हो गया उस रोड को टूटे हुए मैम, अब तक उसका काम नहीं चल पा रहा। जब ये वोट मांगने आते हैं गलियों में, गलियां फटी पड़ी हैं, जब वोट मांगने आते हैं जब कहते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, पर मैम कोई कुछ नहीं करवा के रहा जी मैम। बिल्कुल प्रवीण, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी परेशानी रखी। जब वोट मांगने की बात आती है, जब वोट मांगने के लिए आते हैं चुनाव के समय पर, तब तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम आपकी सड़कें बनवा देंगे, लगातार वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में तस्वीर कुछ अलग होती है। कुरुक्षेत्र से राम सचदेवा हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। राम सचदेवा जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बहुत दफा कह चुके हैं, अमीन रोड के ऊपर मैं रहता हूँ, खड्डे ही खड्डे हैं। अभी भी मैं मतलब स्कूटर पे आया हूँ तो मतलब पानी पानी भर जाता है, थोड़ी सी बरसात आती है, और कमेटी में भी चार पांच दफा बोल चुके हैं, जब तक मुलाजम हूँ उनका रिक्वेस्ट, सिर्फ कहना नहीं रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे आते जाते एक तो ट्रैफिक जाम, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है अमीन रोड के ऊपर, सब कुछ होता है, लेकिन कोई भी ख्याल नहीं करता, कोई भी वो नहीं करता, हर चीज की देखो, बच्चे हैं कभी स्कूटर पे आते हैं कभी वो आते हैं, कई दफा चोट खा चुके हैं, कई दफा वो हो चुका है, क्योंकि जब भी कहते हैं कि ये अच्छा देखेंगे, अच्छा देखेंगे, देखेंगे दो साल तो हो गए मेरे कहते हमारे को कहते दो साल हो गए हैं, लेकिन जब भी देखो
भाई यही हाल है, मतलब अमीन रोड जब के मतलब ट्रैफिक में जाम ज्यादा चलता है, अमीन रोड को काफी वो रहता है, हर जगह देखो पानी 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 पानी। आज जैसे बारिश है, बारिशों का मौसम है, इनको कमेटी में भी मैं बोल चुका हूँ, सब कुछ कह चुका हूँ, कोई भी ध्यान नहीं करता। जब भी कहते हैं, जबकि कमेटी वालों को अपना पैसा नहीं लग रहा, सरकारी पैसा ही लग रहा, सरकारी सरकार वैसे तो करोड़ों रुपये खर्च करती है यात्रा पे, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अगर ये सड़क बना दें तो इससे बच्चे भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, हर चीज सुरक्षित है, सुरक्षा में ही सुरक्षा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आपने अपनी राय रखी, अपने परेशानी में बताया कि किस तरीके से प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, बावजूद इसके कि कई बार शिकायत की जाती है, और यही वजह है कि सड़कों की तस्वीर कुछ ऐसी देखने को मिलती है जहां पर जो सड़कें हैं वो हादसों को दावत दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे वापस, और साथ ही पूछ रहे हैं आपसे आज का सवाल, क्या महंगाई रोकने में सरकार विफल हो गई है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप टाइप कीजिए यस, नहीं के लिए टाइप कीजिए नो, अपना जवाब व्हाट्सएप नंबर 8743010009 पर सेंड कर दीजिए। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। उकलाना में सरकार ने 20 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण करवाया, लेकिन वो सड़क आज हादसों को दावत दे रही है। वो सड़क हादसों की वजह बन गया है क्योंकि वहां पर जगह जगह गड्ढे हैं, सरिया निकला हुआ है और लोग उससे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन कोई ध्यान इस तरफ क्यों नहीं दे रहा है। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है आप बता सकते हैं, आपके क्या परेशानी है, क्या राय है, क्या आप सरकार से प्रशासन से कहना चाहते हैं। हरियाणा की आवाज के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर क्यों सरकार का निर्माण, सरकार सड़कों का निर्माण ठीक तरीके से नहीं करवा पाती है, और चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं उन वादों पर क्यों नहीं सरकार खरी उतरती है। कैथल से कॉलर राकेश जुड़े हमारे साथ, राजेश अपनी राय रखें। राजेश जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? राजेश जी आपको आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं बन पाया, लेकिन जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों प्रदेश में जो है वो सरकार सड़कों का निर्माण ठीक तरीके से नहीं करवा पा रही है। वीके यादव जी जुड़े हमारे साथ, अपनी राय रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो सड़कों की जो हालत हो रही है ये सिर्फ पिछली सरकारों की नाकामी है। सरकार चुनाव के समय जो वादे करती है, 18 के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जो नेता वादे करते हैं अगर वो तय समय में, अगर वो शुरू करने की उनकी प्रक्रिया शुरुआत नहीं करी 6 महीने के अंदर चुनाव के बाद, तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। छोटे गरीब आदमियों के पास तो एक्शन कर लेते हैं ये, लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ नेताओं वालों इनके ऊपर एक्शन कौन करेगा? जनता तो अपना फीडबैक देती, 5 साल में अपना फीडबैक देती है, लेकिन जनता को ही गुमराह कर रहे हैं मोस्टली नेता, 90% जो नेता है। जो सड़कों की आज जो हालत हो रही है ये पिछली सरकारों की, मैं कहना चाहूंगा जो गाय के ऊपर जो राजनीति कर रही है, गाय का इतनी बुरी हालत हुई है, तड़फती हुई गाय हमें मैं देखता हूँ नंदगांव के पास में। रात को, कल की बात है, पड़ोसी गांव के लोग चलती गाड़ी में फेंके, एक गाय की तो मौत हो चुकी और बैल वगैरह घायल अवस्था में, वो दादरी तोय हॉस्पिटल में भिजवाई। चेयरमैन साहब कहता है ये जमींदारों का काम है, हम क्या करेंगे, उनकी समस्या वो अपने खुद वो करो। तो वे भानीराम मंगला जी चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं, तो उनका मैं तो ये भी कहा जी 2-3 महीने टेम्परेरी इनका व्यवस्था करवा दो, आप गौशाला परमानेंट नहीं करवा सकते हो, तो 1-2 महीने के लिए जो जब अनाज निकलता है। बिल्कुल, वीके यादव जी, अलग अलग समस्याएं जो आप हमें बता रहे हैं, लेकिन सड़कों के निर्माण की बात हम लगातार कर रहे हैं, वहां पर भी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। कॉलर राजेश जुड़े हमारे साथ, राजेश जी अपनी राय रखे सर। नमस्कार जी मैडम जी। जी सर। मैडम जी मैं गाँव खरक पांडवा जिला केथल से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ 2018 में 3rd महीने में काम चला था फल्टेड लाइन का जी खेतों में, और उसका ठेका है 85 लाख का, और वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। जो उसमें उद्दी बनाई गई है 12-12, 14-14 फुट की डूंगी, उसमें कई बार तो आदमी गिरते हैं, उनके पास से मोटरसाइकिल का रास्ता बना रखा है जमींदारा ने, और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा ठेकेदार। 2-3 बार हमने CM विंडो में भी लगा ली, SDO साहब से भी कह लिया और JE साहब से भी कह लिया,
तो हमारी समस्या का भी हल करो मैडम जी कुछ। बिल्कुल राजेश जी, हमारी पूरी कोशिश होगी आपकी समस्या का समाधान निकल पाए, आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचा पाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। लगातार हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको, जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ बता रहे हैं कैसी तस्वीरें हैं, और उकलाना की तस्वीर दिखाई जहां पर 20 करोड़ की लागत से बनी फोर लेन सड़क का भी निर्माण जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर प्रशासन कब ध्यान देगा, बेसुध प्रशासन कब सड़कों के निर्माण में हो रहे घोटाले को रोकेगा, और जो इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी जो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ हरियाणा की आवाज में इतना ही, और साथ ही जाते जाते आपसे पूछ रहे हैं आज का सवाल है कि क्या महंगाई रोकने में सरकार विफल है। अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ के लिए टाइप कीजिए यस, ना के लिए टाइप कीजिए नो। अपना जवाब व्हाट्सएप नंबर 8743010009 पर भेज दीजिए।